जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में लंग कैंसर के इंसिडेंस में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। यह यंगर लोगों में हो रहा है, नॉन स्मोकर्स में भी हो रहा है, लेडीज में भी हो रहा है। कुल मिला के यह एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में एमर्ज कर रहा है और हम सब जानते हैं कि इसको जितनी जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए उतना ज्यादा क्योर की संभावना है और जितना लेट डायग्नोसिस होगा उतना क्योर की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पिक करें, उसके लिए उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो दो बातें यहां इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि कई बार लंग कैंसर हमारे शरीर में एग्जिस्ट कर सकता है और ग्रो कर सकता है बिना कोई सिम्टम कॉज किए। उसको हम कहते हैं एसिम्टमैटिक या इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर। अब ये कैसे डिटेक्ट होता है? आजकल बहुत से लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे वगैरह होता है, कुछ लोग सीटी स्कैन विभिन्न कारणों से करवाते हैं। तो एक्सरे या सीटी स्कैन बिना किसी तकलीफ के, किसी कारणवश अगर हो और उसमें यह पकड़ में आ जाए तो उसको हम इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर। तो एक तो यह तरीका है जिसमें अक्सर हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़े। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो अर्ली स्टेज के हमारे टोटल कैंसर को हम देखें तो उनमें से ज्यादातर इस कैटेगरी में से आते हैं। लेकिन अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम होता है खांसी जो जाती नहीं है, कॉफ विच डज नॉट गो अवे। आपको परसिस्टेंटली खांसी है, आप कॉफ सिरप लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन वो खांसी खत्म नहीं होती। दूसरा जो उसके साथ हो सकता है, खांसी में खून आना। याद रखिएगा, खांसी में खून आना कभी नॉर्मल या कोई छोटी मोटी ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का सिम्टम नहीं हो सकता। इसका मतलब लंग के अंदर कहीं कुछ मेजर खराबी है। तो अगर कभी भी आपको एक बूंद भी अगर खांसी में बलगम में आपको खून दिखाई दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो खांसी होना, खांसी में खून आना, यह दो अर्ली स्टेज लंग कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी जो सिम्टम्स हैं, लंग कैंसर में बहुत सारे सिम्टम्स हैं लेकिन वो अर्ली स्टेज में नहीं है, वो जब बाद की स्टेजेस होती हैं तब उसमें आते हैं कैंसर्स।